हाय गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे एक काफी जानी मानी डॉग ब्रीड के बारे में जो है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि पिटबुल एक ब्रीड है या फिर एक ब्रीड की टाइप। तो आप लोगों को बता दूं कि पिटबुल एक ब्रीड की टाइप है जिसमें कुछ अलग अलग डॉग्स आते हैं, जैसे कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर और स्टेफर्डशायर बुल टेरियर। वैसे जो अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर होते हैं वो केसी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अमेरिकन पिटबुल केसी रजिस्टर्ड नहीं होते। वैसे ये जो अमेरिकन पिटबुल टेरियर है इसके साथ भी आप लोगों को पेपर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट डॉग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और काफी एक्टिव भी। एंड सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो अमेरिकन पिटबुल टेरियर है ये एक सेमी एडल्ट डॉग है, तो उन्होंने सभी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट करा रखे हैं एंड कार्ड वगैरह भी आप लोगों को साथ में मिल जाएगा। वैसे गाइस आजकल किसी एडल्ट या सेमी एडल्ट पिटबुल को परचेज करने से लोग काफी डरने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। अगर डॉग अग्रेसिव हुआ तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसे कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ओनर जो है ये पूरे लाइफ टाइम की गारंटी लेते हैं कि डॉग जो है ये बिल्कुल फ्रेंडली है, ना तो किसी के लिए अग्रेसिव होता है और ना ही अटैकिंग। तो आप लोग बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी सभी चीजें तब क्लियर हो जाएंगी जब आप लोग इसे परचेज करने जाओगे, क्योंकि भाई अगर आप लोग घर में इंटर होते हैं या आप लोगों के लिए थोड़ा अग्रेसिव होता है या बार्क वगैरह करता है तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि थोड़ा बहुत अग्रेसिव है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी डॉग्स अपनी फैमिलीज के लिए तो काफी फ्रेंडली होते हैं, बट पता तब लगता है जब उनके सामने कोई स्ट्रेंजर्स आ जाए। तो डॉग को कोई भी फिजिकली या मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने इसके ईयर्स भी क्रॉप करा रखे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और जो आईज कलर है वो भी मुझे काफी यूनिक सा लगा, जो कि ब्राउन कलर है। वैसे गाइस अमेरिकन पिटबुल टेरियर को थोड़ा अग्रेसिव माना जाता है, बट उन्होंने इसको काफी अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन कर रखा है, जिसकी वजह से काफी अच्छा कंपेनियन डॉग है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस अमेरिकन पिटबुल टेरियर के अलावा साइबर हस्की पपीज परचेज करना चाहते हैं और वो भी काफी कम प्राइस में, तो आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग इस अमेरिकन पिटबुल टेरियर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो एज है ये 7 मंथ प्लस हो चुका है और ओनर की जो लोकेशन है वो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। और फ्रेंड्स डिलीवरी वगैरह में आप लोगों को कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते, बिकॉज ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। उन्होंने स्पेशली बोला है कि डायरेक्ट विजिट करो, डॉग की क्वालिटी वगैरह चेक करके इसे परचेज करो। और ये चीज देखी जाए तो सबसे सही भी है, क्योंकि डायरेक्ट जब आप लोग जाओगे तो हर एक चीज आप लोगों के सामने अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड दोस्तों फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो डॉग तो काफी अच्छी क्वालिटी में है और उन्होंने प्राइस भी थोड़ा एक्सपेंसिव रखा है, जो है 28,000 पीस यानी 28,000 रुपए। लेकिन डोंट वरी गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है। अब इसमें से कितना प्राइस कम हो सकता है ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कैसे बार्गेनिंग करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।